नमस्कार, आप देख रहे हैं एफटी न्यूज। आइए देखते हैं सिद्धार्थ नगर की खबर। सिद्धार्थ नगर जिले में एम्बुलेंस का फर्जीवाड़ा बड़े पैमाने पर उजागर हो रहा है। यहां पर सरकारी अस्पतालों में अपने संसाधन पहुंचे मरीजों को 102 और 108 एम्बुलेंस से लाया और ले जाया गया है। बाकायदा इसका कंपनी द्वारा भुगतान भी करा लिया गया है। इसकी जब जाँच शुरू हुई तो सबके होश उड़ गए। इनसे जो लिस्ट बनाई गई मरीजों के नाम के सामने उनका फ़ोन नंबर गलत इंगित किया गया है या फिर आशा वर्करों का नंबर डाला गया। फर्जीवाड़े आलम यह है कि कुछ नंबरों पर कॉल करने उरई जालौन जिले के निवासी बता रहे हैं। वहीं कुछ आशा वर्करों से बात फ़ोन पर बात करने पर वे बता रही हैं वे कोई भी पेशेंट सरकारी एम्बुलेंस नहीं ले गई हैं। उनका नंबर सूची गलत डाल दिया गया है। वहीं इस मामले की जांच कर रहे 102 और 108 एम्बुलेंस के नोडल अधिकारी डॉक्टर शेजवान गौतम ने बताया कि इसकी जांच चल रही है। अभी तक इसकी संख्या इंगित नहीं हो पाई है कि इन लोगों ने कितने लोगों के इस तरह का फर्जीवाड़ा किया है। यहाँ तक कि मरीजों के पते भी नहीं चल पा रहे हैं। इसकी गहराई से जाँच की जा रही है। जहाँ तक फ़ोन नंबरों का सवाल है, ज़्यादा नंबर गलत है। जांच के हिसाब से काफ़ी गंभीर मामला है। सारी रिपोर्ट इकट्ठा की जा रही है, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हाँ सर, ये जो एम्बुलेंस 102 108 में घोटाले की बात आ रही है, किस हिसाब से कि मरीज आया ही नहीं, उसका नाम दर्ज कर लिया गया है, इसकी क्या कार्रवाई है? ये स्टेट से सूचना हम लोगों की आई है, सभी लोगों की लिस्ट आई है। ब्लॉक वार उसका सारे ब्लॉकों में PSC CSC के CSC पे दे दिया गया है और उसको सभी लोगों से इंक्वायरी कराई जा रही है। सबके नंबर से कॉल कराए जा रहे हैं और कुछ आ रही है कि बहुत सारे नंबर ऐसे आ रहे हैं जो ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं, या तो बंद आ रहे हैं या तो दूसरे जगह के नंबर आ रहे हैं। ज़्यादा नंबर आशाओं के आ रहे हैं, इसकी संभावना बन रही है, उसकी लिस्टिंग कराई जा रही है। जैसे उपलब्ध हो जाएगी सारी सूचना दे दी जाएगी। कितना गंभीर मामला इस तरह ये जांच के हिसाब से जब ज़्यादा गंभीर मामला लग रहा है, पूरी रिपोर्ट बनने के बाद पता चल जाएगा कैसे कैसे क्या करना है आगे। जैसे फ़ोन नंबर से देखा जा रहा है, कोई चंदौली का नंबर बता रहा है, कोई आशाओं का नंबर बता रहा है, कोई गलत नंबर बता रहा है, फ़ोन नंबर जो उसमें पड़े जी, फ़ोन हमने भी करवाया है। इसमें बहुत सारे नंबर जो दूसरी जगह के आ रहे हैं, दूसरे स्टेट के, दूसरे ज़िले के आ रहे हैं। बहुत सारे नंबर बंद आ रहे हैं या नॉट रिपीटेबल आ रहे हैं या गलत नंबर आ रहे हैं। उसकी सारी रिपोर्ट इकट्ठा कर की जा रही है। एक दो दिन में सारी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी।